Hello friends, welcome to Law Gyan. This is Advocate Drishti and you are watching a very important video on Indian Evidence Act. तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 16 तक. पुरानी वीडियोस में हम 9 तक कवर कर चुके हैं, जो आप देख लीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आप लाइक भी कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब सेक्शन 10 में दे रखा है कि थिंग्स सेट डन और रिटन. अगर कुछ भी काम हम बोलकर, लिखकर या प्रेजेंट रूप में करते हैं, मतलब करते हैं या लिखते हैं या बोलकर करते हैं, किसी भी फॉर्म में अगर करते हैं, अगर वो कॉन्स्पिरेटर करता है, षड्यंत्रकर्ता करता है, तो ये कहीं ना कहीं रेलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10. अब इसमें और चीज़ें दे रखी हैं, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. जैसे हमने पढ़ा था इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 34 में कि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी दे रखा है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. तो क्या डिफरेंस है सेक्शन 10 और सेक्शन 10 और 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. तो इसमें बेसिकली दोनों में कॉमन यही है कि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, एक ने इंटेंशन फॉर्म की और वो सबको उसमें शामिल किया गया, सबकी कहीं ना कहीं सहमति थी, सब उसका पार्ट थे, तो अगर एक पकड़ा जाता है तो सब लायबल होंगे, राइट. ये होती है हमारी थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी. इसे डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी भी बोला जाता है, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है. इसके अलावा एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो इसे अलग करती है इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 34 से. अब सेक्शन 34 में दे रखा है सेवरल पर्सन, बट यहाँ पे दे रखा है टू और मोर पर्सन, ये आपको याद रखना है. और उनका पर्पस क्या है, या तो कंस्पायर करना, या तो षड्यंत्र करना, या फिर प्रूव करना कि वो पार्टी थे या नहीं. तो अगर इन पर्पस के लिए इन्वॉल्व होते हैं तो ये हो जाता है सेक्शन 10 में रेलेवेंट, राइट. एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आप ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है हमारा प्ली ऑफ एलिबाई, सेक्शन 11. अब प्ली ऑफ एलिबाई वेयर एक्ट में नहीं लिखा है, ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है एल्सवेयर, कि आप उस जगह प्रेजेंट नहीं है जहाँ पर इंसिडेंट हुआ, तो ये कहीं ना कहीं रेलेवेंट हो जाता है. इसमें दो चीज़ें हैं, फैक्ट्स जो रेलेवेंट होंगे या फिर फैक्ट इन इशू होंगे. दो सर्कमस्टांसेस दे रखी हैं, या तो वो इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब ज़्यादातर वो इसमें कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल ऑपोजिट होने चाहिए जो भी बात कही जा रही है, या फिर उसमें हाईली इम्प्रोबेबल या हाईली प्रोबेबल होने चाहिए, मतलब संभाव्य या असंभाव्य, वो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी, राइट. तो ये दे रखा है, इसमें एक इलस्ट्रेशन दे रखा है अगर समझने की बात है तो. जैसे ए ने बी का मर्डर किया लाहौर में, लेकिन बी बोलता है, ए बोलता है कि मैं तो उस टाइम प्रेजेंट ही नहीं था लाहौर में, मैं तो उस टाइम कैलकटा में था. तो अगर फ्लाइट्स की भी बात की जाए तो उतना पॉसिबल नहीं है कि एक मिनट में आप उसी टाइम कैलकटा में भी प्रेजेंट रहें और लाहौर में प्रेजेंट रहें, तो ये हो जाता है कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट, इम्प्रॉबेबल. तो ऐसा करना हाईली इम्प्रॉबेबल और इनकंसिस्टेंट बना देता है, जो सेक्शन 11 में दे रखा है. इसके बाद सेक्शन 12 में दे रखा है, अगर कोर्ट को डिटरमाइन करना है कितना डैमेजेस हुआ है, कितना हमारा नुकसान हुआ है, तो वो डिटरमाइन कर सकता है सेक्शन 12 के अंडर. अब डैमेजेस की बात हमने की थी सेक्शन 73 और सेक्शन 74 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो यहाँ पर ये डिटरमाइन कर सकता है कोर्ट, उसी हिसाब से देख सकता है. अब सेक्शन 13 में दे रखा है कि राइट और कस्टम, राइट और कस्टम मतलब कि अधिकार और प्रथा, तो उसके बारे में भी आप जान सकते हैं पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में और स्पेशल सर्कमस्टांस में, मतलब कि जनरल एक होता है और एक होता है पर्टिकुलर या स्पेशल सर्कमस्टांस. तो इसमें फर्स्ट क्लॉज में दे रखा है कि जनरल प्रथा, मतलब जो नेचुरल कोर्स में आपकी प्रथा चल रही है तो वो भी पता लगाया जा सकता है. इसके अलावा पर्टिकुलर या स्पेशल, अगर कोई त्यौहार वगैरह है या कुछ भी स्पेशल होता है तो वो भी पता लगाया जा सकता है. सेक्शन 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा है लेकिन आसान है. इसमें बेसिकली दे रखा है कि स्टेट ऑफ माइंड, अगर किसी की स्टेट ऑफ माइंड का पता लगाना है तो वो किस हिसाब से पता लगाया जा सकता है, उसकी बॉडीली फीलिंग, उसकी इंटेंशन, उसकी नॉलेज, गुड फेथ, इल विल, वो क्या सोचता है, वो सब हम सेक्शन 14 में डिस्कस करेंगे. इसमें दो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं जो हमें इम्पॉर्टेंट बनाते हैं इसे. इसमें दे रखा है कि फर्स्ट में दे रखा है पर्टिकुलर उसकी जो सर्कमस्टांसेस हैं वो देखी जाएंगी, ऑर्डिनरी कोर्ट्स का बिजनेस नहीं देखा जाएगा, मतलब रोज़मर्रा वाली एक्टिविटीज़ नहीं देखी जाएंगी, पर्टिकुलर देखा जाएगा. इसके अलावा सेकेंड में दे रखा है कि ट्रायल के लिए
अगर हम उसका ट्रायल करना है तो प्रीवियस कन्विक्शन, मतलब उसने पहले कभी ऐसा अपराध किया है, और अगर उसने ऐसा अपराध किया है तो ही हम उसे प्रीवियस कन्विक्शन कर पाएंगे, मतलब कि प्रीवियस कमीशन, मतलब एक बार उसने पहले अगर अपराध किया है तो उससे ही चेक हो पाएगा कि उसे कितनी सज़ा दी जाए और कितनी नहीं, राइट? ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 15। सेक्शन 14 में हमने बात की इंटेंशन के बारे में, अब सेक्शन 15 हमें एक्सीडेंट या इंटेंशनल बताता है, मतलब दोनों में एक डिफरेंस है। यहाँ पे इंटेंशनल है, इसका मतलब ये कि हमने कोई काम जानबूझ के किया है। इसमें एक इलस्ट्रेशन है, जैसे कि ए अपना घर जला देता है और चाहता है कि इंश्योरेंस कंपनी उसे क्लेम दे, तो ये देखा जाएगा कि क्या उसने पहले भी कभी ऐसा किया है और जहाँ जहाँ वो रहा है वहीं ऐसा हुआ है। तो हर बार तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट जो होता है वो एक बार ही होता है, बार बार नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये इंटेंशनल एक्ट है जो इसे इम्पॉर्टेंट बना देता है, एक्सीडेंट नहीं, ये है इंटेंशनल, तो ये है इम्पॉर्टेंट। तो हमने सेक्शन, और इसके अलावा सेक्शन 16 में है कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई भी फैक्ट्स हम पता लगाना चाहते हैं कोर्स ऑफ बिजनेस में, मतलब वो नेचुरल किस तरीके से हो रहे हैं, डेली एक्टिविटीज़ किस तरीके से हो रही हैं, तो वो हम इस तरीके से 16 में जाकर पता लगा सकते हैं। जैसे इसमें इलस्ट्रेशन है कि अगर कोई ऑफिस रोज़ आ रहा है या नहीं, तो वो हम उसकी रिकॉर्ड से मेंटेन कर, जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है उससे पता लगा सकते हैं। उसमें एक डायरी में रिकॉर्ड होगा, उसी एंट्री से पता लगा सकते हैं कि ये रोज़ प्रेजेंट था या नहीं, तो ये रेलेवेंट हो जाता है अंडर सेक्शन 16। तो हमने आज के वीडियो में 10 कवर किया कॉन्स्पिरेसी के बारे में, 11 प्ली ऑफ एलिबाई, 12 डैमेजेस, 13 राइट और कस्टम, 14 इंटेंशन, 15 एक्सीडेंट और इंटेंशनल, और 16 हमने कवर किया कोर्स ऑफ बिजनेस, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप अगर हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं बिहार एपीओ के लिए या एमपी प्रीलिम्स के लिए या बिहार मेंस के लिए, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। नंबर है 7017 2545। तो इस नंबर पर आप क्वेरी ले लीजिए एंड आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तो अब तक हम कवर कर चुके हैं सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 16 तक, जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बाकी आप इसे करते रहिए, एविडेंस एक्ट सारे सब सारी जगह आता है और लिटिगेशन में प्रैक्टिस करता है। लॉ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इंडियन एविडेंस एक्ट को, जो कोर्ट्स में भी आपके काम आएगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको पता चलेगा और इसका स्टडी एस्पेक्ट भी पता चलेगा। तो छोटा सा बेयर एक्ट है जिसमें 167 सेक्शंस हैं, तो आपके लिए यूज़फुल होगा। आप हमारी वीडियोस एंड तक देखिए एंड इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड होप कि आपको ये यूज़फुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा एंड आपके कुछ काम आए। तो बताइएगा आपको कोई अगर डाउट हो तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बताइएगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड अगर आपको कोई भी रिवीजन करना हो या कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर रिवाइज की बात करें तो रिवाइज भी हमने कर लिया है। फर्स्ट सेक्शन में एक्सटेंड के बारे में बात की, सेकंड में रिपील है, थर्ड में डेफिनेशंस है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, फोर्थ में प्रिजम्पशंस हैं, फिफ्थ में रेलिवेंस के बारे में बात की गई है, सिक्स में रेस जस्टिस, सेवन में मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट, नाइन में, एट में है इसका ओकेजन कॉज इफेक्ट है इसका, सेवन में मोटिव प्रिपरेशन और कंडक्ट इसका एट में है, देन नाइन में है इसका आइडेंटिफिकेशन, टेन हमने आज किया कॉन्स्पिरेसी के बारे में, इलेवन हमने किया प्ली ऑफ एलिबाई, ट्वेल्व हमने किया डैमेजेस, थर्टीन हमने किया राइट कस्टम, फोर्टीन हमने किया इंटेंशन, फिफ्टीन हमने किया इंटेंशनली और एक्सीडेंटल, और सिक्सटीन हमने किया कोर्स ऑफ बिजनेस। तो 16 तक हमने रिवाइज़ कर लिया है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाती है समझने के लिए, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए तो आपके लिए यूज़फुल होगा एंड आपको समझ आएगा। बाकी हमने इलस्ट्रेशंस पढ़ लीजिएगा, जो भी इम्पॉर्टेंट होता है वो हम कवर कर देते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड बताइएगा अगर कोई भी डाउट होता है, और टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी अगर आपको ज्वाइन करनी है तो वो आप क्वेरी ले सकते हैं।
एंड प्लीज़ पुरानी वीडियोज़ भी देखते रहिए, जिससे आपके लिए बहुत रेलिवेंट होने वाला है। तो अभी तक आपको जल्दी से कर लेना है रिवाइज, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएँ एविडेंस एक्ट के एडमिशन और कन्फेशन के बारे में, जो मेंस में इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो 17 से लेकर इसका है 23 तक एडमिशन के बारे में, देन 24 से लेकर 30 तक है इसका कन्फेशन के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। तो बताइएगा एंड बहुत इसे मिस मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड होप कि आपके लिए ये बेनिफिशियल रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, दिस इज़ एडवोकेट दृष्टि साइनिंग ऑफ एंड होप कि आपको सब अपना ध्यान रख रहे होंगे, स्टडीज़ के साथ आप अपना ध्यान भी रखते रहिए एंड एग्ज़ाम देते रहिए। थैंक यू सो मच।